ये आप जो नदी देख रहे हैं जीता जागता सबूत है उस सल्फर फैक्ट्री का, अब बस एक याद बन के रह गया है। और आपको मैं और आगे दिखाता हूँ कि ये PPCL कंपनी फैक्ट्री का ये पानी निकलता था इसी। मैंने नामो निशान मिटा दिया कंपनी। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा, बिरान हो गया। तो आप लोग इसी फैक्ट्री में काम करते थे? हाँ, टीका पटन कर रहे। अच्छा, तो ये काफी, ये कब लगभग बंद हुआ ये फैक्ट्री? लगभग मतलब। दोस्तों नमस्कार, आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ और इसका शायद बहुत लोग नाम नहीं जानते होंगे, मैं बता दे रहा हूँ, इसका नंबर वन फॉस्फेट सल्फर गंधक का ये उत्पादन करने वाला फैक्ट्री है। और ये एक ज़माना ख़त्म हो गया, आज के हमारे युवा पीढ़ी जो भी है इस चीज़ को नहीं जानते होंगे। तो आज संडे को मुझे टाइम था, आज हम लोग यहाँ आए हैं और मैं आपको सारा कुछ यहाँ दिखाता हूँ। और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि ये जो फैक्ट्री है ये एक बिहार का एक इकलौता ऐसा फैक्ट्री था जहां पर फॉस्फेट सल्फर और बहुत सारे कृषि उर्वरक बनाने के लिए यहां पर केमिकल बनता था जो आज वीरान पड़ी हुई है। तो उसी का मैं एक झलक आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। हालांकि इसके अंदर में तो हम लोग नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अलाउ नहीं है, तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको बाहर बाहर से मैं दिखाने की कोशिश। तो आप मेरे वीडियो में बने रहें, आगे मैं आपको दिखाता हूँ।
तो फ्रेंड्स लीजिए, हम लोग आ गए हैं PPCL कंपनी का माइंस में, और आप देख सकते होंगे वो पहाड़ के ऊपर जो दिख रहा है आपको, यही सब माइंस है, यही से खुदाई किया जाता था, और जैसे भी किरान वगैरह जो भी मशीन है उससे खुदाई किया जाता था और फैक्ट्री में भेज करके वहाँ पर उसका फिनिशिंग किया जाता था। रेड कलर का ये देखिए, ये आप थोड़ा सा, ये जो रेड कलर का ये जो आप देख रहे हैं ना, यही पाइराइट्स है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये जो है ना, ये एक तरह से सोना है, सोना, ये सोना है, इसका कीमत लोग नहीं जानते हैं, ये हमारे बिहार के लोग नहीं जानते इसका कीमत क्या है। आज भी अगर इस फैक्ट्री को चालू किया जाए तो हमारा बिहार आगे बढ़ जाएगा। तो अभी ये सिर्फ आज इतिहास में दब के रह गया है, अगर इस पे कोई ध्यान नहीं देगा तो ये इतिहास के पन्नों में सिर्फ दब के रह जाएगा, और हमारे आने वाला जो पीढ़ी है वो इसे किताबों में सिर्फ पढ़ेगी। और फ्रेंड्स वो जो आपको एक दिख रहा होगा वहाँ पर ऊपर में, वो बंकर है, और वहीं से माल वगैरह जो है ना लोड होता था, ट्रक जो है इस रास्ते के माध्यम से वो बंकर के पास चला जाता था, और उस बंकर से ही वो डंप किया जाता था डंपर में, और यहाँ से माल को लाद करके फिर आपका कल्याणपुर सीमेंट फैक्ट्री है, और यहाँ पर फैक्ट्री है, ये सब फैक्ट्रियाँ में यहाँ से भेज दिया जाता था। दोस्तों मैं ये बता दूँ, यहाँ का रॉ मटेरियल जो है राजस्थान तक भेजा जाता था, राजस्थान तक ये जाता था, लेकिन आज ये बेकार पड़ी हुई है। तो आप देख सकते होंगे काफ़ी दूर में पड़ी हुई है, और ऊपर तक गाड़ी चला जाता था। ये रोड जो है ना सीढ़ी नुमा बना हुआ ऐसा, और उसी रोड के माध्यम से ये ऊपर गाड़ी चल जाता था। तो यही कुछ है, और बाकी कुछ है नहीं यहाँ पर। फिर हम लोग अगले नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, और इससे भी और अच्छा रोमांचकारी और जानकारी से भरा हुआ ब्लॉग में मैं आपसे मिलता हूँ। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू।